नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ताज़ा खबर के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे किस तरीके से भारत की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास का खालिस्तानी गुंडों को करारा जवाब, लगाया पहले से कई गुना बड़ा तिरंगा। भारत पहुँचते ही राजघाट पहुँचे जापानी पीएम, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बातचीत। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामलों में उछाल ने बचाई खतरे की घंटी, आज होगी केंद्र की बड़ी बैठक, हो सकते हैं सख्त फैसले। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो रामलीला मैदान में महापंचायत आज, किसान आंदोलन दो की घोषणा, कई मार्ग रहेंगे बंद, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन में भारतीय दूतावास का खालिस्तानी गुंडों को करारा जवाब दिया गया है। लंदन में जो खबर निकल के आ रही, खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स द्वारा रविवार दोपहर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हटाने के बाद अब लंदन में भारतीय उच्चायोग ने एक बड़े तिरंगे के साथ जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों, आगे अगर मैं आपको बताऊँ किस तरीके से भारत पहुंचते ही राजघाट पर जापानी पीएम पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज 20 मार्च को दो दिवसीय भारत दौरे पर आ गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही जापानी पीएम सबसे पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, अगला खबर जो है उसके बारे में आपको डिटेल कर दूं। कोरोना वायरस के मामलों में उछाल ने बजाई खतरे की घंटी, आज होगी केंद्र की बड़ी बैठक, हो सकते हैं सख्त फैसले। कोरोना मामलों में अचानक आए उछाल ने केंद्र सरकार से कई राज्यों के माथे पर बल ला दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार 20 मार्च को एक बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोविड 19 के प्रसार को रोकने के मद्देनज़र रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस को लेकर भी कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा और बेहतरीन खबर देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।